हे गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। ये जो आप मेहंदी देख रहे हो ना, इसकी वीडियो एक दिन पहले गई थी कि किस तरीके से आपको बनानी है। ये हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छी है गाइस, और ये नेक्स्ट डे मैं लगा रही हूँ। आप देख सकते हो कि मेहंदी का कलर कैसा हो गया है। गाइस आप देख सकते हो कि जो मेरी मेहंदी है मैंने ओवरनाइट इसको रहने दिया है, और अब मैं इसको अपने बालों पे अप्लाई करूँगी। और आप पहले के बाल अब मेरे देख लो, और जब मैं हेयर वॉश कर लूँगी ना, खाली पानी से आपको वॉश करना है मेहंदी लगाने के बाद, और उसके बाद आप मेरे बाल देखना कैसे हो जाते हैं। और मेहंदी लगाने के बाद ना मैं 4-5 घंटे रखने वाली हूँ। इतनी मेहनत हम करते हैं ना, तो 4-5 घंटे आप रखोगे तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। और कॉलेज टाइम में जब मैं मेहंदी लगाती थी तो रात को सोने से पहले लगा लेती थी और पूरी रात मेहंदी को रहने देती थी, और उससे मेरे बाल बहुत अच्छे थे। सिर्फ मेहंदी की वजह से आपके बाल एकदम बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप ट्राई ज़रूर करना। लेकिन क्या करना है आपको, वीक में एक बार तो ज़रूर आपको मेहंदी अप्लाई करनी ही करनी है। मेहंदी में क्या क्या चेंजेस करती रहती हूँ, तो जब जब मैं मेहंदी अपने लिए घोलूंगी ना, उसमें क्या चेंज करती हूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। विंटर ख़त्म हो गया ना, तो मैंने एक हफ्ते पहले मेहंदी लगाई थी, तो उसमें मैंने रीठा और ऑयल भी मिक्स किया था, लेकिन आज मुझे जाना है, रीठा नहीं डाला तो ऑयल भी नहीं डाला। तो अगर आप चाहो तो रीठा और ऑयल भी डाल सकते हो, और आज की वीडियो में देखो मेरे बाल कैसे हैं, और कुछ दिन बाद आप मेरे बालों को चेक करना कि मेरे बाल कैसे हो जाते हैं। तो हेयर ऑयल की वीडियो जो मैंने आपको बताई थी, तो ये अच्छा हेयर ऑयल है कि वीडियो अभी तक मैंने भेजी नहीं। मैं अपने बालों पर ना 7 से 8 बार मैं ऑयल लगा चुकी हूँ अपने बालों के ऊपर, लेकिन ना अभी मुझसे वीडियो नहीं बनी है। वीडियो जब सेंड करूँगी ना, आप उस हेयर ऑयल की वीडियो ज़रूर देखना कि बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, उससे बाल बहुत लंबे होते हैं। आप मेरे नेल्स को चेक कर सकते हो, ये जो नेल्स है ना, ये एक हफ्ते के नेल्स है, ये आप देख सकते हो। और कुछ नहीं करती उसे, जब मैं बालों पे वो ऑयल लगाती हूँ ना, तभी वो मेरे नेल्स पे लग जाता है, और आप देख सकते हो कि नेल्स कितने जल्दी मेरे ग्रो हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि बालों के लिए वो ऑयल कितना अच्छा है। तो मैं उसकी वीडियो बहुत ही जल्दी डालने वाली हूँ। फिलहाल मैं मेहंदी अप्लाई करके आपको नहीं दिखाऊँ, चलिए मैं आपको मिलती हूँ मेहंदी लगाने के बाद। मेहंदी लगाने के बाद मैंने पोलोथीन को रैप कर लिया था ताकि मेहंदी अच्छे से पूरे बालों पे लग पाए, और इसका जो रिजल्ट है ना, आप नेक्स्ट वीडियो में देखना कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं गाइस। ओके बाय, थैंक यू।